आज क्लास में हम बात करेंगे रैप्ट फॉर्मूला। रैप्ट फॉर्मूला बहुत अच्छी चीज़ है, चलिए इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे आखिर रैप्ट फॉर्मूला करता क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई करेक्टर लिख दिया ए, और रैप्ट फॉर्मूला मैंने लिया और इसको सिलेक्ट करके मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया 99 या मैंने बोल दिया 50, उतना टाइम्स उसको रिपीट कर देता है। तो इसका यूज क्या क्या है, तो इसके यूज के बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि हमने नॉर्मली जो है नाम को एक्सट्रैक्ट करने में रैप्ट फॉर्मूला का यूज किया है। जैसे मैंने लिख दिया सुजीत कुमार सिंह लिख दिया, मुझे इसमें से सिंह को अलग करना है। कैसे अलग करें, हालांकि इसके तरीके बहुत सारे हैं। क्या तरीके हैं इसमें, इसमें पहला तरीका है मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा किसका, फाइंड या सर्च का। फाइंड लगाया, इसको सेलेक्ट किया, इसमें हमने बोला स्पेस और हमने अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और कॉमा स्टार्ट नंबर 1, तो ये देखिए 7 आ गया। फिर वापस एक बार और मैंने फाइंड का फॉर्मूला लगाया और हमने स्पेस दिया और कॉमा इसको सेलेक्ट किया। अब मुझे कुमार के बाद वाला स्पेस चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या किया, पहला स्पेस प्लस 1। जो फाइंड फॉर्मूले या सर्च फॉर्मूले में जो स्टार्ट नंबर होता है ना सर, स्टार्ट नंबर, वो क्या होता है कि आप फाइंडिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। तो हमने बोला कि पहले करेक्टर के पहले स्पेस के बाद से, ताकि वो सिंग वाला स्पेस आएगा। तो यहाँ हम सिंपल से क्या लगाएंगे, यहाँ सिंपल से लगाएंगे लेफ्ट का फॉर्मूला। लेफ्ट फॉर्मूले मैंने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि इसमें से लेफ्ट अलग कर दो, कितना, तो 7-1, तो आ गया सुजीत आ गया। ऐसे मैंने यहाँ पे मिड का फॉर्मूला लगाया और मिड फॉर्मूले मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और बोला कि 7+1 से स्टार्ट है और 13-7 हमारा ट्रैक्टर लेना है, तो कुमार आ जाएगा। फिर राइट का फॉर्मूला हमने लिया, राइट के फॉर्मूले में हमने बोला कि भाई इसकी जो कंप्लीट लेन है उस लेन में से माइनस कर दे अपना 13 को, तो रिजल्ट आ गया आपके सामने सुजीत कुमार सिंह। बट इसमें हमने कहीं यूज नहीं किया है रैप का फॉर्मूला। क्या यू रैप का फॉर्मूला क्या है, अब देखिए ये जो हमने बोला सुजीत कुमार सिंह, तो अब तीन नाम है इससे ले लिया, बट दो नाम होगा सिर्फ सुजीत कुमार होगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर आपके पास मान लीजिए कि 4 नाम हुआ तो वर्क नहीं करेगा। तो मुझे सिंपल सा है कि नामों का चक्कर नहीं है, मुझे लास्ट का चीज हटानी है। जैसे हमने बोल दिया हुआ है कि सुजीत कुमार, यहाँ पे कुमार दिल्ली F201 कुमार @iptindia.com। अब मुझे इसमें से ईमेल आईडी अलग करना है। अब ये बहुत बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ईमेल आईडी भी कुछ भी हो सकता है। तो कहने के मतलब है कि इसमें एक ही इसमें कंडीशन है कि लास्ट में जो कुमार लिखा हुआ है ना वो हमें अलग करना है। क्या लिखा हुआ है, कुमार जो लिखा हुआ है उसको अलग करना है। तो कैसे अलग करें, क्योंकि इस पर फिर ए वाला मेथड तो वर्क करेगा नहीं, तो यहाँ हम रैप का मेथड वर्क यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट और इसको सिलेक्ट किया और बोला कि रैप और हमने बोला कि इसमें स्पेस को 99 बार रिपीट कर दो, सॉरी ओल्ड टेक्स्ट हमें देना चाहिए था ना, माफ कीजिए मैं गलती कर दिया, या ओल्ड टेक्स्ट में मैंने स्पेस दिया और न्यू टेक्स्ट में बोला टैप 99 टाइम। देख इसने क्या किया कि हर वर्ड के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हर वर्ड के अंदर उसने
99 स्पेस लगा दिया, क्या लगा दिया 99 स्पेस। तो मैं मुझे पता है कि 99 स्पेस तो लास्ट में होगा ही होगा, तो मैं राइट का फॉर्मूला लगाया और इसमें से 99 लेटर को अलग कर लिया, तो कुछ स्पेस और आपका ईमेल आईडी यहाँ पे आ गया। और ट्रिम फॉर्मूला लगाएंगे तो ट्रिम करके आपके सामने दे देगा कि भाई रिजल्ट क्या है। समझ में आ गया सर? एक बार फिर बताइएगा सर। चलिए, मैंने सिंपल सी बात समझिए कि जो सुजीत कुमार ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, इसके हर वर्ड में जो स्पेस लगा हुआ है, बस मैंने उस स्पेस को 99 बार रिपीट कर दिया। किसी मदद से? तो सब्स्टिट्यूट की मदद से, और यहाँ हमने रैप्ड 99 डाल दिया, तो ये 99 बार इसको सिंगल स्पेस को 99 बार के स्पेस से रिपीट कर दिया। फिर हमने क्या किया कि राइट से 99 लेटर ले लिया, तो कुछ स्पेस और ईमेल आईडी हमारे पास आ गए। और ट्रिम क्या करता है, अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है ना, तो इसने सारे स्पेसेस को रिमूव कर दिया और सिर्फ कुमार को दे दिया। आप इसको इकट्ठा भी लगा सकते हैं, आप इसको यहाँ पे लगाना चाहे या नीचे लगाना चाहे इकट्ठा भी लगा सकते हैं। कैसे? तो यहाँ मैंने लिखा सब्स्टिट्यूट और हमने सेलेक्ट सब नहीं, माफ कीजिएगा, इसमें हमें पहला हुआ ट्रिम, फाइनल रिजल्ट तो ट्रिम दे रहा है ना, देन सब्स्टिट्यूट के अंदर हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, स्पेस दिया और बोला हमने सिंपल लेफ्ट रैप्ड राइट वाला, क्या सर? राइट वाला फॉर्मूला छूट गया है, बात सही कहा। तो राइट ट्रिम से पहले होगा राइट, और हमने बोला कि भाई 99 बार अलग कर दो। अब ये फॉर्मूला किसी भी टैग किसी भी सेंटेंस से उसके लास्ट वर्ड को अलग करने के लिए बनाया गया है। समझ गए? नहीं, यही कहा, अच्छा तरीका है सर। दो तरीके मैंने बताया ना, एक तरीका तो आपके सामने है लेकिन लिमिटेड है ना सर, दूसरा तरीका हमने ये बताया, तीसरा तरीका है कि आप फ्लैश फिल इस्तेमाल कर ले, फॉर्मूला इस्तेमाल ना करें। रैप फॉर्मूला की ये दूसरी क्लास में अब हम बात कर रहे हैं कुछ और चीजों के बारे में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सेल्स है हमारे पास, सेल्स फिगर हमने लिया हुआ है, अब मुझे इसमें बार लगाना है, तो बोलेंगे क्या दिक्कत है, हम जस्ट जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे हम अपना बार अप्लाई कर देंगे, राइट? हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और अपना बार अप्लाई कर, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बार है इसको हम कहीं कॉल नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि हमने इक्वल करके या वी लुकअप करके हमने मान लीजिए इसका नंबर कॉल कर लिया, बस की फॉर्मेटिंग नहीं आएगी सर, ये जो इस पर फॉर्मेटिंग लगी है वो तो नहीं आएगी, हम चाहते हैं इसके बाद इसका फॉर्मेटिंग भी आ जाए। तो हम चाहते हैं ये जो बार यहाँ लगाया ना, यहाँ ना लग के यहाँ लगे और ऐसा लगे जो कि हमें कॉल भी कर सके कहीं भी किसी भी फॉर्मूला की मदद से। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला रैप का, रैप फॉर्मूला, और यहाँ हमने दिया ए और नंबर्स हमने यहाँ दे दिए, तो एक उतना बार इसको रिपीट कर दिया, क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। अब बोले तो ठीक नहीं दिख रहा है, ठीक दिखेगा, इसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना होगा, हमें यहाँ फॉन्ट में एक होता है ब्रिटैनिक बोल्ड, इसको अप्लाई करना है। कौन सा फॉन्ट अप्लाई करना है? ब्रिटैनिक बोल्ड।
हमने ब्रिटैनिक बोल्ड को यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप सोचा इसी में आ जाए, तो बस कुछ नहीं कीजिए, मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया, हर नंबर को हमने 5 से डिवाइड कर दिया। इसको कोई और कलर चाहिए तो टेक्स्ट कलर में आप कोई और कलर ले लीजिए। अब मैंने यहाँ पे इक्वल लगाया, इक्वल लगा के मान लीजिए कि मैंने 85 को लिंक कर दिया और इसी को ड्रैग किया या फिर इस पर किया तो ये लिंक हो गया। बट ये फॉर्मेटिंग ऐसा आ रहा है तो एक बार फॉर्मेटिंग को यहाँ लेके अप्लाई कर दीजिए, अब दिक्कत नहीं हो। तो हमने इसके लेटर या इसके इसके वर्ड को भी, मतलब कि इसके वैल्यू को भी और इसके फॉर्मूला को भी हमने अलग कर लिया, समझे? क्लियर सर? अब हम अगले एग्जांपल की बात करें तो अगले एग्जांपल कुछ ऐसा ही है। मैंने यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है, मान लीजिए प्रॉफिट स्लैश लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो क्या करें इसके लिए? मान लीजिए यहाँ पे प्लस में भी है और माइनस में भी है, प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो हम चाहते हैं कि कुछ इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें जहाँ की प्लस और माइनस दोनों आ जाए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट या लॉस, माफ कीजिएगा, हाँ लॉस एंड प्रॉफिट। यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि इफ अगर वैल्यू लेस देन जीरो है तो यहाँ रैप का फॉर्मूला लगे, रैप फॉर्मूले में इस लेटर को ए बी एस एब्सोल्यूट नंबर, क्योंकि माइनस में है तो माइनस में तो नहीं लेगा ना रैप, इसलिए हमने ए बी एस डाला ताकि माइनस प्लस हो जाए, अदरवाइज ब्लैंक। सॉरी इसको ब्रैकेट क्लोज करना होगा। हाँ अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, कर दिया नीचे की तरफ ड्रैग। अब इसके ऊपर हम ब्रिटैनिक बोल्ड वाला फॉन्ट जो है आपका अप्लाई कर देते हैं। और हम इसको यहाँ से इस पर क्लिक कर देते हैं लेफ्ट साइड, और इसकी कलर कर देते हैं हम रेड, लेकिन काफ़ी बड़ा हो गया है तो सिंपल वही डिवाइड बाई 5 कर दीजिए सबको, ताकि छोटा हो जाए, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को मैं वापस ले रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और इसमें हम बस अपनी कंडीशन चेंज करता हूँ कि लेस देन से ग्रेटर देन पे कर दिया और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया और सेम फॉर्मेटिंग लेके इसको भी अप्लाई कर दिया। पर इसको हम इस साइड से ले लेते हैं और इसकी कलर को कर देते हैं ग्रीन। उसके बाद राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाते हैं और यहाँ बॉर्डर, मोटा वाला बॉर्डर लेते हैं और इसको सिलेक्ट क्लिक कर देते हैं और फिर यहाँ इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, सेम जो थिकनेस वाला बॉर्डर है उसको लेते हैं और अपर साइड में पेस्ट कर देते हैं और इस पर हम मर्ज करते हैं, हम देते हैं माइनस प्लस। अब इस बीच में हम इधर एक स्पेस देंगे तो इधर भी एक स्पेस देंगे, इधर एक स्पेस देंगे तो इधर भी एक स्पेस देंगे, तो इस तरह से क्या होगा कि जीरो बीच में रहेगा, ठीक है। और ज़्यादा अच्छा दिखाना है तो पेज लेआउट में जाइए और व्यू को हटा दीजिए, ग्रिड लाइन को हटा दीजिए। कैसा दिख रहा है सर? ओके, तो तीन क्वेश्चंस मैंने बनाए, अब चौथा क्वेश्चंस आपको बनाना है क्योंकि आपको भी तो पता चले कि क्या होता है ये हमारा। तो चौथा क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे
दे हमें। क्या है कि हमारे पास कुछ सेल्स है इस तरह से, मान लीजिए यहाँ पे मैंने नेम दे दिया हुआ है और यहाँ हमारे पास जैन है मार्च, 3-4 महीने का सेल है। ये डेटा मैंने बनाया हुआ, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग वगैरह कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे ग्राफ है, तो ये सबको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ मर्ज अक्रॉस। अब इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट में हमारे पास होता है ए स्पार्क लाइन, इसमें हमने इस कॉलम वाले पार्ट को सेलेक्ट किया और इसमें इसको सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये मर्ज सेल पे वर्क नहीं करता है, प्रॉब्लम ये देख लिया ना, मर्ज सेल पे वर्क नहीं करेगा है। इसको थोड़ा बड़ा करना। अब यहाँ इंसर्ट पे यहाँ आपके सामने स्पार्क का लाइन के अंदर कॉलन है और इसको हमने इसको सेलेक्ट कर लिया एंड ओके कर दिया और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। मर्ज एक ही अनमर्ज में दिया हुआ था, अब सही अब आ जाएगा। फिर राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, बॉर्डर, दिख रहा है सर? तो सबके लिए ये अलग अलग ग्राफ बना हुआ है ना, बट ये स्पार्क लाइन से बना हुआ है, लेकिन स्पार्क लाइन से बनने के कारण थोड़ी सी फॉर्मेटिंग में प्रॉब्लम हो रही है और ये स्पार्क लाइन जो है आपका लेटेस्ट सेक्शन में है, ओल्ड सेक्शन में है भी नहीं, तो आप वो ये स्पार्क लाइन जो हमने बनाया है सेम चीज आपको रैप फॉर्मूले से बनाना है, ठीक है, रैप फॉर्मूले से बनाना, राइट।